लोग मांग ये है कि हम लोग भूमि सरकार को लेकर के हम लोग खड़ा किया है, जमीन में बुलडोजर से मार के गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, बसे हुए लोगों को उजाड़ रहा है, वो सरकारी जमीन है, वो 5 डिसमिल से गरीबों को बांटा जाए। अभी हम मौजूद है पटना के गर्दनी बाग में, जहाँ पे अलग अलग संघ के लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप एक बार तस्वीर देख लीजिए कि कितना भीड़ लगा हुआ है अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा का, और आप देख सकते हैं ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको इनकी जो मांगे हैं सरकार को सुनाना चाहते हैं, ताकि जो आगे वाले आने वाले समय में इनको दिक्कत ना हो। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? जमीन मांगने आए हैं, सरकारी जमीन को। गरीब हम लोग आए, बसने के लिए, घर बनाने के लिए आए। जमीन कैसे मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हम लोग मांग ये है कि हम लोग भूमि सरकार को लेकर के हम लोग खड़ा किया है, जमीन में बुलडोजर से मार के गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, बसे हुए लोगों को उजाड़ रहा है, वो सरकारी जमीन है, वो 5 डिसमिल से गरीबों को बांटा जाए, यही हम लोग को मांग कर रहे हैं। अगर बुलडोजर चलाई जा रही है, गरीबों ने बसा हुआ है, वो बुलडोजर लगा करके उसको उजाड़ दिया है, मकान को ढा दिया जाता है, यही है सरकार की, यही है। इसलिए हम लोग इसके बंद करो सरकार। ये तो सरकारी जमीन ही है ना जी, सरकारी जमीन को तो वो तो ले ही सकते हैं। ये जो है कि बड़े लोगों ने रख रखा है, हम लोग ने गरीबों के बीच सरकार बांटे, इसको दे गरीबों को पीस में, यही तो है हम लोग की मांग। आके धरना प्रदर्शन कर रही है, और बहुत सारे पैमाने में महिला भी आई हुई है। चलिए हम महिलाओं से जानते हैं, और क्यों आई हुई है यहाँ पर, क्यों आई हुई है यहाँ पर, क्यों आई हुई है? हम लोग काहे आए, जमीन के लिए, जमीन नहीं है, रहने के नहीं है, हम लोग को दिक्कत हो रही है। वो लोग जाती है, हम लोग का बिजली बिल ले लेती है, गरीब घर उजाड़ती है, दंग फंग करती है, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। कैसे उजाड़ती है? घर काहे नहीं रहने देंगे जमीन पर, इसीलिए हो रही है। नहीं मिलता है खाने के, नहीं मिलता है, देखो बस्तर नहीं है, तुमको बाल बच्चा का कैसे खिलाएगा, कैसे रखेगा, कमाई का लगता है, दूसर कमाई का लगता है, बच्चा का देंगे कि हम अपना खाएंगे कि फिर जमा करेंगे, वही ना होगा, वही ना मर रहा है। आपकी क्या मांग है? जमीन मांग रहा है, रहने वाला नहीं है, सरकारी जमीन है ना, कहाँ रहेंगे, जो घर बना हुआ रहता है उसको कोई तोड़ना नहीं है, कि सरकार की बात कब सुनती है, बनेगी कब सुनती है।